हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू वर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज होती थी, जैसे कि हमने सेमाफोर डिस्कस किया था। और इसके बाद में अगर हम और बात करें तो अलग अलग हमने इसमें डिस्कस किया था, जैसे कि हमारे पास में क्या क्या क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम थी, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम थी। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में हमने दो तरह से उसको डिवाइड कर दिया था, दो तरह से डिवाइड किया था, जिसमें पहली इंडिपेंडेंट प्रोसेस थी और दूसरी थी कॉपरेटिव प्रोसेस। तो क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हमारी कॉपरेटिव प्रोसेस आती है। कॉपरेटिव प्रोसेस में ये रहता है कि जो एक प्रोसेस रहती है वो दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन पर असर डालती है, उसको हम कॉपरेटिव प्रोसेस बोलते हैं। तो कॉपरेटिव प्रोसेस में जो जो प्रॉब्लम्स हमारी अराइज होती है, वो चार तरह की प्रॉब्लम अराइज होती है। तो क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन में हम कॉपरेटिव प्रोसेस प्रेजेंट रहता है, उसी की हम यहाँ पर बात करेंगे। जबकि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हमारी इंडिपेंडेंट प्रोसेस रहती है। यहाँ हम चार्टर की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। हमारा ये लेक्चर वन है, इसलिए हम हर लेक्चर में एक एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर वन है, इसमें हम बाउंडेड बफर प्रॉब्लम यानी कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बाउंडेड बफर प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, इज़ वन ऑफ द क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। दिस प्रॉब्लम इज जनरलाइज इन टर्म ऑफ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम, वेयर अ फाइनाइट बफर पूल इज़ यूज टू एक्सचेंज मैसेज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेस। बिकॉज द बफर पूल हैज़ अ मैक्सिमम साइज, दिस प्रॉब्लम इज ऑफन कॉल्ड अ बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी कहते हैं। सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग टू काउंटिंग सेमाफोर्स, फुल एंड एम्प्टी, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ करंट नंबर ऑफ फुल एंड एम्प्टी बफर रिस्पेक्टिवली। बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ये रहती है, देयर इज़ बफर ऑफ एन स्लॉट एंड ईच स्लॉट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन यूनिट ऑफ डेटा। देयर आर टू प्रोसेस रनिंग, नेमली प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, विच आर ऑपरेटिंग ऑन द बफर। अ प्रोड्यूसर ट्राइज टू इंसर्ट डेटा इन टू एम्प्टी स्लॉट ऑफ द बफर, अ कंज्यूमर ट्राइज टू रिमूव फ्रॉम डेटा फ्रॉम अ फिल्ड स्लॉट इन द बफर। एज यू माइट हैव गेस्ड बाय नाउ, दोज टू प्रोसेसेस वॉन्ट प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड आउटपुट इफ दे आर बींग एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली। देयर नीड्स टू बी वे टू मेक द प्रोड्यूसर कंज्यूमर वर्क इज एन इंडिपेंडेंट मैनर। यहाँ पर हमने डायग्राम बताया है, एक तरफ से प्रोड्यूसर है जो कि उसमें से डेटा को वो इंसर्ट कर रहा है, देन कंज्यूमर है, अगर डेटा स्लॉट बढ़ता जा रहा है तो वहाँ से उस डेटा को रिमूव करता जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज हो रही है। देखिए इसमें होता क्या है, इसे हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कहते हैं। हमारे पास में दो प्रोसेस होती है, एक प्रोड्यूसर प्रोसेस होती है, कंज्यूमर प्रोसेस होती है। ये दोनों प्रोसेस एक बफर को शेयर करती है, जिसमें हम स्लॉट कहते हैं। प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूस जनरेट करती है ताकि उसे कंज्यूमर यूज़ कर सके। कंज्यूमर प्रोसेस प्रोड्यूसर द्वारा जनरेट किए गए प्रोडक्ट को यूज़ करती है। दोनों प्रोसेस एक साथ काम नहीं कर सकती। प्रोड्यूसर प्रोसेस तब तक काम नहीं कर सकती जब तक कि बफर में कम से कम एक स्लॉट खाली ना हो, और कंज्यूमर प्रोसेस तब तक कोई प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर सकती जब तक कि बफर में कम से कम एक स्लॉट भरा हुआ ना हो। इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन बताया है, इसका एक सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। हम सेमाफोर को यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था सेमाफोर को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सेमाफोर क्या होता है ये हम हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। द सेमाफोर विच विल बी यूज्ड हियर आर एम, अ बाइनरी सेमाफोर विच इज़ यूज्ड टू एक्वायर एंड रिलीज द लॉक। एम्प्टी काउंटिंग सेमाफोर है, हुज इनिशियलाइज वैल्यू इज़ द नंबर ऑफ स्लॉट इन द बफर सिंस इनिशियली आर स्लॉट्स आर एम्प्टी। एंड फुल, दिस इज़ काउंटिंग सेमाफोर हुज इनिशियल वैल्यू इज़ ज़ीरो। मतलब कि हम इसमें तीन ले रहे हैं, एम, एम्प्टी एंड फुल। एट एनी इंस्टेंस द करंट वैल्यू ऑफ एम्प्टी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स इन द बफर, एंड फुल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्लॉट्स इन द बफर। ये इसका सॉल्यूशन है।
यहाँ पर प्रोड्यूसर ऑपरेशन अगर परफॉर्म होगा तो प्रोड्यूसर यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो इस तरह से डू, उसने कोई भी एक वर्क उसमें डाला है वो जब तक ग्रेटर देन एम्प्टी है, एम्प्टी ग्रेटर देन ज़ीरो है तब तक वो क्या करेगा, वेट में हम एम्प्टी की वैल्यू डाल देंगे, वेट करेंगे म्यूटेक्स वैल्यू से। म्यूटेक्स मतलब म्यूचुअल जो मैंने आपको पढ़ाई थी पहले, वेट करेगा फिर म्यूटेक्स सिग्नल भेजेगा, सिग्नल भेजने के बाद में वो उसको बताएगा कि वो फुल है या एम्प्टी है। यानी कि पहले अगर एम्प्टी था, प्रोड्यूसर ने उसको वो क्या था प्रोड्यूस किया था, तो फिर बाद में जब वो वर्क कर लेता है तब वो फुल सिग्नल्स को असाइन कर देता है। देन उसके बाद में अगर उसकी ट्रू वैल्यू है तो वो वापस से जाएगा, जब तक जाएगा जब तक कि वो पूरी तरह से फुल नहीं हो जाता। यहाँ पर लुकिंग एट द एबोव कोड फॉर प्रोड्यूसर वी कैन सी दैट द प्रोड्यूसर फर्स्ट वेट्स अंटिल देयर इज अ एटलीस्ट वन एम्प्टी स्लॉट, देन इट डिक्रीमेंट्स द एम्प्टी सेमाफोर बिकॉज देयर विल बी नाउ वन लेस एम्प्टी स्लॉट सिंस द प्रोड्यूसर इज डूइंग टू इंसर्ट डेटा इन वन ऑफ द स्लॉट, देन इट्स एक्वायर्स लॉक ऑन द बफर सो दैट द कंज्यूमर कैन नॉट एक्सेस द बफर अंटिल प्रोड्यूसर कंप्लीट्स इट्स ऑपरेशन। आफ्टर परफॉर्मिंग द इंसर्ट ऑपरेशन द लॉक रिलीज एंड द वैल्यू इज फुल इज इंक्रीमेंटेड बिकॉज द प्रोड्यूसर हैज़ जस्ट फिल्ड अ स्लॉट इन द बफर। ठीक है, यहाँ पर हम कंज्यूमर प्रोसेस की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर में हमने फिर से हमने अगर वो वेट करेगा कब तक, जब तक कि वो फुल है, अगर वो फुल है तो क्या करेगा उसमें से रिमूव करता जाएगा, देन लास्ट स्लॉट तक जब तक आएगा तब तक वो सिग्नल एम्प्टी हो जाएगा। ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक कि वो कंडीशन उसको सेटिस्फाई करती है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया है, द कंज्यूमर वेट्स अंटिल देयर इज एटलीस्ट वन फुल स्लॉट इन द बफर, मतलब कंज्यूमर तब तक वेट करेगा जब तक एक भी स्लॉट उसका फुल है। देन इट्स इंक्रीमेंट द फुल सेमाफोर बिकॉज द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्लॉट विल बी डिक्रीज बाय वन आफ्टर द कंज्यूमर कंप्लीट्स इट्स ऑपरेशन। वो फुल है तो एक से डिक्रीमेंट करता जाएगा, एक से डिक्रीमेंट करता करता रहेगा। After that, the consumer acquire lock on the buffer. Following that, consumer complete the removable operation so that the data from one of the full slot is removed. मतलब एक एक करके वो remove करता जाएगा. Then consumer release the lock. वो फिर जैसे जैसे remove होगा slot, वो उसको release करता जाएगा lock को. Finally, एम्प्टी सेमाफोर इज इंक्रीमेंटेड बाय वन बिकॉज द कंज्यूमर हैज़ जस्ट रिमूव डेटा फ्रॉम ऑक्यूपाइड स्लॉट दैट्स मेकिंग इट्स एम्प्टी। तो मतलब कि वो एम्प्टी हो चुका है, देन ही वो किसको दे सकता है, प्रोड्यूसर को दे सकता है। तो यहाँ पर ये जो हमारी प्रॉब्लम अराइज हुई थी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, इसको हम बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी कह रहे थे, तो ये प्रॉब्लम हमने सेमाफोर के द्वारा ही रिमूव करी है। थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।